हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे साथ में खड़ी है पल्सर RS 200 2024 का लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट वेरिएंट है। वन बाय वन करके करते हैं सारी चीज़ों की स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात। देखो इसमें गाइस तीन कलर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तो ये कलर है और काफ़ी अच्छा कलर देखने के लिए मिल जाता है। एक तो ये कलर आता है, एक रेड कलर आता है और एक वाइट कलर आता है। पर्सनल फेवरेट मेरा यही कलर है यार, ये काफ़ी अच्छा कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है सिल्वर शेड के साथ में। ब्लैक कलर के इसमें आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि काफ़ी डिसेंट से आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, डिसेंट से अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत लुक्स में अच्छे लगते हैं और डिसेंट लगते हैं। ठीक है, सो अभी बात करूँ ऑन रोड प्राइस की, इसकी तो 2,000 इसकी ऑन रोड प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाती है जयपुर के अंदर। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है प्राइस, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा 1,000 से 2,000 का, बाकी कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, सो अभी बात करते हैं यार इसके स्पैक्स की, तो सारे फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फ्रंट में आपको जो है कम्प्लीटली 17-inch अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको MRF का ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलता है 100x80 सेक्शन का। 3.5mm की आपको फ्रंट में डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है बाइबर्स के कैलिबर्स के साथ में, जिनकी ब्रेकिंग बहुत इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंडोरेंस के आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली। अभी तक इसमें कोई अपडेट है नहीं वैसे पल्सर में। ठीक है, यहाँ पे आपको ABS की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, ड्यूअल चैनल ABS बाइक, आगे पीछे दोनों तरफ आपको ABS देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट के अंदर बात करूँ मडगार्ड की, तो ऐसे कुछ आपको मडगार्ड देखने के लिए मिलता है इसके अंदर कम्प्लीटली, जो है मैट फिनिश के अंदर आपको मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है। राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं ABS की ब्रांडिंग के साथ में। फ्रंट से बात करूँ तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मर टाइप लुक आता है जिसपे काफ़ी लोग फिदा हैं भाई। ठीक है, ये जो आईज़ है इसकी बहुत ही शानदार लगती है देखने में। दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ, एक हाई बीम है एक लो बीम है। आपको यहाँ पे जो है इसकी आईब्रोज देखने के लिए मिल जाती है DRLs के रूप में, जो कि काफ़ी सेक्सी लगती है भाई देखने में, वाइट कलर की जलती है जब। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। साइड फेयरिंग की बात करूँ तो काफ़ी बड़ी बड़ी सी फेयरिंग दे रखी है। ठीक है, और स्टिकर्स वर्क काफ़ी अच्छा कर रखा है, यहाँ पे स्टिकर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कार्बन वाले, और यहाँ पे आपको 200 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। 3D में आपको यहाँ पे जो है पल्सर के ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है सिल्वर कलर के अंदर राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ, ऐसी कुछ आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है, और ऐसी कुछ आपको 200 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के भी आप इसको चला सकते हो। ठीक है, इथेनॉल 20 की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और इसका जो फ्यूल टैंक है 13.5 लीटर का आपको देखने के लिए मिलता है, और काफ़ी डिसेंट सा फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर कैपेसिटी जो है। कीज़ की बात करूँ तो ऐसी कुछ आपको कीज़ देखने के लिए मिल जाती है, और एनालॉग आपको मीटर देखने के लिए मिलता है 12,000 RPM तक का। ठीक है, और इसमें स्पीडोमीटर वगैरह RPM लिमिटर वगैरह सब कुछ आपको डिसेंट सा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बात करूँ यार इसकी मिरर्स के, तो मिरर्स आपको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी वाइड है और काफ़ी बैक एरिया, मतलब बैक का जो व्यू है काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है बैक का भी। ठीक है, काफ़ी डिसेंट सा और काफ़ी शानदार लगती है यार, कुछ भी कहो, मिरर्स वगैरह की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और इनको फोल्ड कर देता हूँ मैं वापस। सो अभी बात करूँ क्लच की, तो ऐसे कुछ आपको क्लच देखने के लिए मिलता है डिसेंट सा, और ऐसे कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाते हैं कम्प्लीटली। एंड अभी बात करते हैं यार इसके और चीज़ों की, तो अब बात करते हैं इसके इंजन की सबसे मेन चीज़ की, तो वो है 200cc का आपको यहाँ पे इंजन देखने के लिए मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड विथ 6-speed गियरबॉक्स 1-down, बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है कम्प्लीटली, और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ आती है गाड़ी। फुट रेस्ट की बात करूँ तो ऐसे कुछ क्वालिटी है आपको फुट रेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं डिसेंट सी काफ़ी, और यहाँ पर एक बार मैं आपको उधर से भी इंजन दिखा देता हूँ इसका। सो DTSI ट्रिपल स्पार्क इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 3 spark प्लग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया 24.6 BHP है प्रोड्यूस करती है, 200cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है विद 6-speed गियरबॉक्स। ठीक है, पीछे से बात करूँ तो पीछे कुछ ऐसे आपको 17-inch अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है, अगेन 130x70 सेक्शन का आपको टायर देखने के लिए मिल जाता है, 3.5mm का आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है पीछे भी बाइबर्स के कैलिबर्स के साथ में। ठीक है, सो ऐसा कुछ आपको एग्जॉस्ट नोट देखने के लिए मिल जाता है काफ़ी डिसेंट सा, और बाहर निकला हुआ है हल्का सा एकदम, और अंडर बेली इसमें काफ़ी बड़ी है। वैसे मैं आपको बता दूँ एक चीज़, क्योंकि मेरे पास भी RS 200 ही है, आपको यहाँ पे पीछे ऐसा कुछ शॉकर देखने के लिए मिल जाता है, और पीछे आपको ऐसा कुछ है जो इसमें आपको कार्बन फिनिश के साथ देखने के लिए मिलता है मडगार्ड पीछे, अगर आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता है। बैकलाइट की बात करूँ तो ऐसे कुछ आपको बैकलाइट देखने के लिए मिलती है विथ डुअल इंडिकेटर्स, और आपको पीछे भी LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। RS 200 की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ, और गाइस ऐसी कुछ आपको जो है कम्प्लीटली सीट्स देखने के लिए मिल जाती है डिसेंट सी, और ऐसे कुछ आपको टैंक पैड देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे जो है टैंक के ऊपर ना हल्का सा शेड देखने के लिए मिलता है, आप फिनिश देखने के लिए मिलता है, टेक्स्चर देखने के लिए मिलता है दाने दाने जैसा, ठीक है, डॉट डॉट जैसा। बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत ही शानदार गाड़ी है यार, अभी तक कोई अपडेट तो नहीं कराया पल्सर ने, बजाज ने इसके अंदर, बाकी काफ़ी अच्छी है। बस माइलेज इसका थोड़ा कम आपको देखने के लिए मिल जाता है, 32-35 KMPL तक का माइलेज देखने के लिए मिल जाता है, टॉप स्पीड 135 है इसकी। ठीक है,
और टॉप स्पीड इसकी 135 है और आपको 30-35 का माइलेज देखने के लिए मिलता है यार। इसमें माइलेज बहुत कम है गाड़ी का थोड़ा। बाकी ओवरऑल गाड़ी की जो एग्जॉस्ट नोट का जो बेस है बहुत ही लाउड है, बहुत ही शानदार है। अगर आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई कोई अच्छी बाइक जा रही है। 7000 RPM से ऊपर जाती है गाड़ी में, बहुत ही शानदार आवाज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो चली तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। गाइस जिसने पूरी वीडियो देखी है ना यार, एक बार ना मुझे ना एक सजेशन चाहिए आपसे। गाइस अगर आप पूरी वीडियो देखी हो एंड तक, तो यार कुछ भी अगर मेरी गलती है ना बोलने वगैरह में, या मैं तेज़ बोल रहा हूँ या मैं धीरे बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट में बताओ यार। मेरे को ना कई लोग बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते टाइम बहुत तेज़ बोलते हो, क्या मैं जेन्युइनली तेज़ बोलता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं मेरी स्पीड और स्लो करूँगा। और अगर धीरे बोलता हूँ तो मैं फिर स्पीड अपनी और स्लो और इम्प्रूव करूँगा। और क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए मुझे सजेशन करो गाइस, जिससे मेरा चैनल और अच्छा ग्रो हो पाए। और आप ही हो यार मेरी ऑडियंस, तो आप ही मुझे सजेस्ट करोगे कि क्या चीज़ मेरे लिए गलत है और क्या चीज़ सही है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और कुछ आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना आपका कमेंट, ठीक है? मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।